अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है दही बड़े। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम आपको बिल्कुल घर में बाज़ार के तरीके के जो दही बड़े हैं वो बनाना सिखा रहे हैं। और ये कैसे बनेंगे और ये मम्मा ने क्या क्या चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। ये मैं थोड़े से प्याज काटने लगी थी पहले। अच्छा, तो मतलब आपने ये क्या, ये जो है बढ़िया है ना। हाँ जी, ये बूंदी है। बूंदी, ओके। हाँ जी, ये ना मैंने ना बूंदी ना भगो दी थी पानी में डाल के। अब ये मैं आपके सामने ना ये मैंने बल्ले माश की डाल के बनाए थे। ठीक है, ये ठीक हो गया। ये मैंने डाल दिए पहले, मतलब घर में हमने ये बनाई थी क्योंकि हमारी रेसिपी आज हम लोग जो भल्लों की वो घर में सिखा रहे हैं। हाँ, तो ये भल्ले भी जो हम लोगों ने वो घर में तैयार किए थे। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने ये जो बूंदी है इसको पानी में डाल के रख दिया था, तो ये ज़रा फूल की और सोगी भी हो गई है। ठीक है, तो इसी दौरान हम लोगों ने इसके अंदर जो प्याज है वो डाली है। ये है जिसका लुक। हाँ जी, अब मैं ना एक आलू उबाल, ये बॉईल किया हुआ। हाँ जी, ऐसे मैंने काट लिया ना। ठीक है, मतलब बहुत इजी सी है, बस आपने चीज़ें पहले तैयार करके रखी हो, जैसे ये बूंदी हो गया और वो आलू, तो फिर आप वो ही मैंने कहा मैं आपके सामने ना सारा करके दिखाती हूँ ना, तो पता चल जाता है। ठीक है, बाजार जैसे बिल्कुल बनेंगे। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर आलू भी डाले हैं। आलू बहुत है इतने। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये ना टमाटर और टमाटर भी डाले, ये चने। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसके अंदर चने ये भी हम लोगों ने बॉईल किए हैं। हाँ जी, ये भी किए थे। अब ना प्याज इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा प्याज ना मैं और मिक्स कर देती हूँ इसमें। ठीक है, अच्छा जी। तो हम लोगों ने व्यूअर्स इसके अंदर जो है बूंदी, हाँ जी, आलू, हाँ प्याज, हाँ जी, और चने, यही चीज़ें अभी तक फिलहाल शामिल की हैं हम लोगों ने। मतलब कोई नमक मिर्च अभी हम लोगों ने इसके अंदर नहीं डाली। हाँ जी, अभी बस हम लोगों ने चीज़ों को मिक्स किया अच्छी तरह से। और भल्ले जो आपने माश की दाल के बनाए थे, हाँ जी, हाँ वो चीज़ हम लोगों ने शामिल की थी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अभी, ये चाट मसाला, तकरीबन 2 पिंचेस कह सकते हैं हम लोग। हाँ जी, ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं ना, मैंने जितने हैं ना ये इसके हिसाब से डालना है। ठीक है, मतलब जितनी आपकी मिकदार हो। ये ज़रा सी ना मैं सुरख मिर्च, बस ज़रा सी। ठीक है, आपके सामने मैंने डाल दी, जायका ज़रा सा अच्छा बन जाएगा ये। और ये नमक। ठीक है, अब मैंने मिक्स करते हैं। आप बनाना बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत इजी है। मतलब हाँ, ये चीज़ें आप लोग बॉईल कर ले सिंपल। हाँ, और घर में बना के खा सकते हैं बहुत। मतलब हाँ, जब आपको भूख लगे तो हल्की फुल्की भूख, कोई मेहमान भी आए तो आप बना सकते हैं, मेहमान भी आए ना तो फिर भी चले। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या इसके अंदर दही, अब दही ये मैंने फेंटी इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। बीट करने के बाद हम लोगों ने दही को शामिल करना है। तो बहुत ही इजी मेकिंग है इसकी, कि पहले आप लोगों ने चीज़ें बॉइल करके रखी हो, नमक मेरे डाले, उसके बाद जो दही है उसको बीट करके डाले सिंपल ही। तो यहाँ पर जो खुशबू है इसकी, मसालों की, चाट मसाला डाला है ना, तो वो खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी, चाट मसाले की, तो बहुत अच्छी खुशबू है। तो यकीनन इंशाल्लाह ये जायके में बहुत अच्छा होगा। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, घर में आप दही बड़े आप लोग आसानी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर कर दी है। अब आप लोग इसको बनाए और हमें अपनी फीडबैक दें कि दही बड़े जो उनसे हैं वो कैसे लगे आपको। अच्छा जी, तो अब हम लोग इसके अंदर क्या डालेंगे? मैं दिखाती हूँ ना आपको भी बना के। अच्छा जी, अब ये है मैंने चटनी बनाई थी ये वाली सुरख बजाज ऐसी, ये मैं इसके ऊपर, मतलब मिर्चों वाली चटनी। हाँ जी, मिर्चों की चटनी आपने तैयार की थी। हाँ, जो मतलब बाजार वाले डाल के हम लोगों ने घर में इसको तैयार किया था, ये मैंने सारी डाल दी इसके ऊपर। ठीक है, ये देखे ना इसका बाजार जैसे हो गया ना। हाँ जी जी, ये मैंने डाल दी। अच्छा जी, अब थोड़ी सी इसकी ना गार्निशिंग कर देते हैं। हाँ जी, ये मैंने ना बस प्याज काट दिए। अब मैं ना इसके ऊपर ना टमाटर वो भी मैं ना काटती हूँ। अच्छा,
चाहे आप गोल गोल काट लें, जैसे आप बारीक बारीक काट, मैं बारीक बारीक सा काटूंगी क्योंकि वे बच्चे काटते नहीं हैं ज़्यादा बड़े बड़े टमाटर। ये देखें खूबसूरती के लिए इसके ये मैंने काटा। तो अभी ये फाइनल हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, ये थोड़ा सा ऐसा काम है, दिखाती हूँ आपको अभी मैं आती हूँ। बंद गोभी माशाल्लाह देखिए आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये बंद गोभी में। देखिए फाइनल लुक इसका। हाँ जी, तो ये अब चाट मसाला दोबारा से हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए चाट मसाला। ये देखिए माशाल्लाह। ये ले जी व्यूअर्स, तो ये तकरीबन हमारे 5-7 मिनट में जो दही बड़े हैं ना वो तैयार हो गए हैं और लुक आप इसका देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना उम्दा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये दही बड़े हम लोगों ने तैयार कर लिए, ये है इसका फाइनल लुक। तो आप लोग को बना रहे हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें कि जो से दही बड़ों की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है वो आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह एक नई चटपटी रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआगो हैं। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगे, हम अपने फीडबैक ज़रूर दें जो हमने आपको घर में दही बड़े बनाना सिखाए हैं ये आपको कैसे लगे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।